जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शहद के बारे में, यानी कि मधु के बारे में, हनी के बारे में। जी हां दोस्तों, शहद को कई नामों से जाना जाता है दुनिया भर में। शहद को मधुमक्खियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, लेकिन वर्तमान में लालच के चलते हुए कई दुकानें, कई फैक्ट्रियां ऐसी लग चुकी है जिनमें आपको असली शहद नहीं मिलेगा, नकली शहद मिलेगा। लेकिन आवश्यकता होने पर आप शहद खरीद कर लाते हैं और वही नकली शहद आपको यूज़ करना पड़ता है और फिर आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, जबकि शहद एक बड़ी ही चमत्कारी औषधि मानी गई है, प्रकृति के द्वारा दी गई ये बहुमूल्य भेंट, ये बहुमूल्य औषधि एक नहीं, दो नहीं, हजारों बीमारियों को दूर करने में सहायक साबित हुई है। इसमें सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि शहद में लेउलोज, डेक्सट्रोज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड, प्रोटीन, अकार्बनिक तत्व जैसे कि लोहा, कैल्शियम, मैगजीन, मैग्नीशियम और विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन यदि आप असली शहद के स्थान पर कृत्रिम रूप से तैयार किया गया शहद काम में लेते हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा। भारत में शहद की शक्ति को बहुत पहले ही पहचान लिया था, तभी बच्चों को सबसे पहले अन्य कोई और चीज़ खिलाने से पहले, पिलाने से पहले शहद की कुछ बूंदों के द्वारा रसा स्वादन कराया जाता है। ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। और शहद का स्वाद इतना अच्छा होता है, असली शहद का स्वाद, कि छोटा बच्चा भी शहद को चाटने के बाद अति प्रसन्न हो जाता है। ये एक औषधि है, ये एक टॉनिक है। नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए भी ये अनुपम भेंट मानी गई है। थकान और आलस्य को दूर करने, शक्ति को प्रदान करने वाला शहद माना जाता है। आज इस वीडियो में हम शहद के उपयोग, फायदे के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि यह बात करेंगे कि यदि आप कहीं से शहद लेकर आते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो कैसे पता चले आपको कि जो शहद आप लेकर आए हैं वो असली है या फिर नकली है। तो आइए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, शहद को कैसे पहचान सकते हैं कि शहद असली ही है। इसके लिए आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में लालच के चलते असली शहद खरीदना अब थोड़ा मुश्किल काम है, और ज़्यादातर लोग तो जानते भी नहीं हैं कि ये जो शहद है वो शुद्ध है या नहीं है। तो इसके लिए आप कुछ साधारण जाँच कर सकते हैं, जैसे कि पहला तरीका है, शहद को आप किसी कांच के पानी भरे बर्तन में डालिए। कांच का बर्तन लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और थोड़ा सा शहद इसमें डालिए। अगर शहद तली पर बैठ जाता है, नीचे चला जाता है, तो वह असली शहद है, और अगर पानी में घुल जाता है तो फिर समझिए कि नकली है। यानी कि शहद जैसे ही डालेंगे वो सीधा नीचे जाना चाहिए, पानी में घुलनशील नहीं होता शहद, सीधा नीचे जाना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा सा शहद लीजिए और किसी कुत्ते को खिलाइए। अगर असली शहद होगा तो कुत्ता उसे खाएगा नहीं, सूंघ कर चला जाएगा। असली शहद कुत्ता कभी नहीं खाता है, जबकि नकली शहद को बड़े ही चाव से वो खा जाएगा। तीसरा जो असली शहद की पहचान है वो है, असली शहद कितना भी पुराना हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल, कितना भी पुराना शहद हो वो जमता नहीं है, जैसा आप रखोगे वैसा ही रहेगा, जबकि नकली शहद कुछ ही दिनों में जम जाएगा, सूख जाएगा। असली शहद की एक पहचान है कि उसके रंग में थोड़ा कालापन सा आपको दिखाई देगा, जबकि नकली शहद में आपको गुड़ का रंग होता है, वैसा रंग आपको उसमें दिखाई देगा। असली शहद का स्वाद कुछ अजीब सा लगता है, जबकि नकली शहद का स्वाद आपको चीनी या गुड़ के जैसा लगेगा टेस्ट करने पर। असली शहद को जब आप स्पर्श करेंगे तो वह आपको चिकना चिकना लगेगा, जबकि नकली शहद में कुछ किरकिरापन भी महसूस हो सकता है। शहद को टेस्ट करने का एक आसान तरीका आपको और बताते हैं। असली शहद अगर होगा तो इसके लिए आपको एक कागज लीजिए, आप कॉपी का, न्यूज़पेपर का कोई पेपर आप लीजिए और थोड़ा सा शहद लीजिए, अंगुली से एक लेयर जो है कागज के दोनों ओर लगा दीजिए, कागज के दोनों तरफ छोटा टुकड़ा लीजिए, उस पर शहद का लेयर लगा दीजिए जो शहद आप लाए हैं, और फिर इसे जलाने का प्रयास कीजिए। अगर कागज जल जाता है तो समझ लीजिए कि शहद जो है वो नकली है, और यदि कागज नहीं जलता है आसानी से तो शहद असली है।
असली शहद को आंखों पर लगाने से आंसू नहीं आते हैं और ना ही आपको किरकिरापन लगेगा, जबकि नकली शहद यदि आप आंखों में लगा लेते हैं तो आंखों में पानी आने लगेगा और आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा लाया गया शहद असली है या फिर नकली है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।